हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूँ चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजराती स्नैक्स की रेसिपी। आज हम बनाएंगे खाटो लोट। आपने कई बार खींचू तो खाया ही होगा, पर ये जो डिश है इसके आसपास की रेसिपी है, पर बहुत ही टेस्टी बनती है, घर में मिलते इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो चलो देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। खाटो लोट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप दही। तो यहाँ पर आपको एक दिन पुराना दही लेना है और इसी के साथ इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हींग, 2 टीस्पून चीनी, सॉल्ट टू टेस्ट, जस्ट हल्का सा हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 टेबलस्पून अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट। मिर्ची का प्रोपोर्शन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये जो खाटो लोट है थोड़ा सा तीखा टाइप का ये स्नैक्स बनेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसी के साथ अभी हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं, इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह की मसाला वाली छाछ तैयार करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 गार्लिक, तो इसे हम इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहे तो अदरक हरी मिर्ची और लहसुन का तीनों का पेस्ट बना सकते हैं, पर अभी मेरे पास अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट था तो मैं इस तरह से गार्लिक को ग्रेट करके ले रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चावल का आटा। यहाँ पे मैंने जो चावल का आटा लिया था वो कृष्ण कमोद चावल आता है, इसी का आटा लिया है, इसी से बहुत ही अच्छा बनता है। इसकी जगह आप कोलम राइस का फ्लावर लेके भी बना सकते हैं। वापस इसे हम एक बार ब्लेंड कर लेंगे। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म होता है इसमें 1 टीस्पून रई डाल देंगे। इसी के साथ करी पत्ता को इस तरह से तोड़ के हम इसमें डाल देंगे। 1 गार्लिक वापस इसमें डालेंगे तड़के में, हल्का सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं और तुरंत ही इसमें डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी लिया हुआ है, इसे हम अच्छे से उबालेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी अच्छे से उबल चुका है। तो ये वाला जो मिक्सर है हम इसमें डालते जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही गरम होता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर पकने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और इसे 6 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही हम पकने देंगे। चेक कर लेते हैं, वापस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, हरा लहसुन की सीजन है तो आप इसमें थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे गैस बंद करके इसे ढककर एटलीस्ट 5-7 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे और इसके बाद इसे सर्व करेंगे। तो खाटो लोट हमारा रेडी है और इसके साथ मैंने सर्व किया है अचार मसाला और मूंगफली का तेल। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।